कितने बड़े बड़े कछुए हैं आपने देखा भी होगा। देखिए, आप अगर फतेहाबाद के आसपास से हो तो आप आइए और इन कछुओं के दर्शन कीजिए, ये एक हमारी धरोहर है। नमस्कार साथियों, गाम राम में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसका इतिहास कछुए जो है वो बताते हैं। कछुओं के माध्यम से जो गांव जाना जाता है, और साधारण कछुए नहीं, आपने अपने आसपास या जो जगह होती है हमारे गांव में, जोहड़ वगैरह, कुएं वगैरह, वहां पर जरूर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे कछुए दिखाने वाले हैं जो आपने नहीं देखे होंगे। हम आज काजलहेड़ी गाँव है फतेहाबाद में, वहाँ आए हुए हैं। यहाँ जो मंदिर बना हुआ है उसमें रामेश्वर नाथ जी हैं, और उनसे मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इन कछुओं का क्या इतिहास है। और जब भी कोई भी लोग आते हैं, और ये मत ये कहूँगा कि इस पूरे फतेहाबाद ज़िले में काजलहेड़ी गांव, और काजलहेड़ी एक पर्यटन स्थल के रूप में बना हुआ है कि लोग यहाँ आ रहे हैं लगातार, और आने के बाद ये कछुओं, इन कछुओं के दर्शन कर रहे हैं। और जब मैंने इनसे या इस गांव में ये पता करने की कोशिश की कि और गांव में या आसपास के जो गांव हैं वहां फिर इस प्रकार के कछुए हैं, या इस प्रकार से जो संस्कृति है, ये इस प्रकार से जो इतिहास बचा के रखा है, तो और गांव में क्यों नहीं है, तो फिर मुझे समझ में ये आया कि ये गांव है, ये बिश्नोई समाज बहुल समाज गाँव है। तो इस कारण से बिश्नोई समाज के बारे में आपने सुना भी होगा कि ये प्रकृति प्रेमी होते हैं और जीवों पे, पेड़ पौधों की खास करके ये रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो पूरे बिश्नोई समाज को भी मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, और उस ये जो पर्यावरण प्रेमी एक जो समाज है बिश्नोई समाज, इन्हीं के कारण ही ये कछुए जो 300-400 सालों से यहाँ इस जोहड़ में हैं, और हम जैसी जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए एक धरोहर सजोने का काम कर रहे हैं। तो आपने ये देखा, और आप अगर फतेहाबाद के आसपास से हो तो आप कभी भी आकर के काजलहेड़ी गांव में आइए, और वहाँ आने के बाद में आपको इन कछुओं के आप दर्शन कर सकते हो। माता जी, आप क्या डाल रहे हो इनको? इनको आटे की गोली बना के डालती है, बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। कुछ अच्छा, भी अच्छा। घर में भाई कोई कुछ भी हो जाए ना, हाँ तो आप बोल दे भाई 21 दिन ऐसे हम कछुए को आटा डाल देंगे तो वो सारी मनोकामना पूरी होती है। ये एक धारणा भी है इस गांव में कि अगर आपको कोई भी मन्नत है आपकी, कोई भी आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हो, और इनको आकर के 21 दिन तक लगातार आटा या कुछ इनको खाने की चीज़ देते हो तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो अभी आप देख भी रहे होंगे, एक बार उधर कैमरामैन से कहूँगा मैं दिखाइए, कितने बड़े बड़े जो कछुए हैं वो अंदर से निकल के बाहर आ रही हैं। एक बंदर भी इधर आया है, क्योंकि बंदर भी भाई जो चीज़ें डाली हुई है खाने की, उसको खाने के लिए आया है। तो माता जी हैं वो उनको, बंदर को भगा रही है, और कछुए भी थोड़े इनसे डरे हैं। बड़े बड़े कछुए हैं, आपने देखा भी होगा। देखिए, आप अगर फतेहाबाद के आसपास से हो तो आप आइए और इन कछुओं के दर्शन कीजिए, ये एक हमारी धरोहर है। जैसे कि हम बड़ी पुरानी पुरानी चीज़ें देखते हैं, ये कछुए आपको 300-400 साल पुराने हैं, और हमने देखा भी है कि कछुओं की जो उम्र है वो लगभग 500 वर्ष होती है। यहाँ आप आके देखोगे, लोगों से मिलोगे, और किस प्रकार से हम प्रकृति को बचा सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी जो प्रकृति है जिसमें हमारे जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन सब का हम संरक्षण कर सकते हैं। तो हम केवल धन के पीछे ना भागें, केवल हम अपने ही लिए ना जिएं, इस प्रकृति के लिए भी हमें जीना चाहिए, और ये जो जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, ये सारे प्रकृति का ये हिस्सा है। तो मैं आप सब देखने वालों से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी अपना योगदान किसी भी प्रकार से हो प्रकृति को बचाने में ज़रूर दीजिए। तो गाम राम में आज इतना ही, आगे फिर हम किसी और गांव की कला के बारे में, गांव की संस्कृति के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।